आज हम बनाएंगे एक बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही हेल्दी एक आर्टिसन फूल लेपर ब्रेड, जिसको और भी हेल्दी हम बना सकते हैं, वो मैंने वीडियो में आगे जाके शेयर किया है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। हाय गाइस, मैं हूं तृप्ति और आप देख रहे हो तृप्ति टेस्टी स्वीजन केक्स। इफ यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो देन गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू एंड प्रेस द रेड बेल आइकन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट बिगिन विद द रेसिपी। ये आर्टिसन फूल लेपर ब्रेड बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है, मैदा है 240 ग्राम्स, ईस्ट है 2 टीस्पून, मिल्क पाउडर है 2 टेबलस्पून, शुगर है 2 टीस्पून, ऑयल है 3 टीस्पून, सॉल्ट है 1.5 टीस्पून। डो बनाने के लिए मैंने लिया है पालक प्योरे, इसका क्वांटिटी मैंने 1 कप लिया है, बट ये ज़्यादा या कम हो सकता है, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना के रखिए, अगर ज़्यादा लगेगा तो देन ज़्यादा यूज़ करेंगे, अगर एक्स्ट्रा नहीं है तो पानी का यूज़ भी कर सकते हो। ये नॉर्मल पालक को मैंने मिक्सी में ब्लेंड कर लिया है प्यूरे करने के लिए, इसको मैंने ब्लांच नहीं किया है। एंड स्टफिंग के लिए मैंने लिया है चीज़ क्यूब्स, जिसको ग्रेट कर लिया है, और थोड़ा सा ओरिगानो पिज़्ज़ा सीजनिंग एंड रेड चिली फ्लेक्स ऐड किया है, और एक केक पैन को मैंने अच्छे से बटर लगा के ग्रीस करके रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना ये बहुत ही डिलीशियस एंड हेल्दी आर्टिसन फूल लेपर ब्रेड। सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैदा लिया है मैंने और जो मिल्क पाउडर है उसको सीव कर लेंगे, दोनों को मिला के मैदा को अच्छे से सीव कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपका अगर मैदे में कुछ भी इम्प्योरिटी होगा वो निकल जाएगा और मिल्क पाउडर के साथ वो अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। अब क्या करोगे, बीच में एक ऐसा आप स्पेस बनाओगे एंड देन उसमें चीनी ऐड करेंगे, और इंस्टेंट ड्राई ईस्ट मैंने लिया है वो ऐड करूंगी। अब मैं क्या करूंगी, ये चीनी एंड जो ईस्ट को मिक्स करूंगी, ठीक है, आपको ऐसे फिंगर से उसको मिक्स करना है। आप देखोगे ईस्ट में बबल्स आना शुरू हो जाएगा, इससे आपको पता चलेगा आपका ईस्ट एक्टिव है, आपका ईस्ट ठीक है, ख़राब नहीं हुआ है, यूज़ करने के लायक है, ठीक है। अब इसको मिक्स करने के बाद क्या करूँगी, धीरे धीरे हाथ से आप मिक्स करो। मैंने पूरा पालक का प्यूरी यूज़ करना है आज इसका डो बनाने के लिए, आपको अगर पूरा पालक का प्यूरी नहीं चाहिए तो आधा पानी एंड आधा पालक का प्यूरी ऐड कर सकते हो, बट बिलीव मी पूरा पालक का प्यूरी से ये बहुत ही डिलीशियस बनता है और हेल्दी भी हो जाता है। धीरे धीरे करके पालक का प्यूरी आप ऐड करोगे और इसका एक सॉफ्ट डो बनाएंगे, उसके बाद क्या करना है आगे का प्रोसीजर आप देखो। एक सॉफ्ट डो हमें चाहिए, तो सॉफ्ट डो बनने के लिए जितना लगेगा पालक का प्यूरी आप वो उतना ऐड करेंगे। अभी तक मैंने 1 ही कप यूज़ किया है, आगे देखते हैं अगर लगेगा तो फिर 1 to 2 टेबलस्पून मैं ऐड कर सकती हूँ। स्क्रेपर से आप थोड़ा सा उसको बीच में लाओ एंड देन उसको नेट करो। इसमें मैं और 1 टेबलस्पून पालक का प्यूरी ऐड कर रही हूँ, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना के रखो, अगर नहीं है एक्स्ट्रा तो आप पानी ऐड कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कितना सुंदर कलर आ गया आप देख सकते हो, ये तो एक ऐसा स्टिकी डो पहले बनाएंगे। मेरे चैनल पे बीटरूट के साथ भी एक ब्रेड रेसिपी मैंने शेयर किया है, आप जाके वो देख सकते हो, बहुत ही डिलीशियस एंड बहुत ही हेल्दी वो ब्रेड भी है। तो चलिए इसको नीड करते हैं। तो नीड करने के लिए स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड यूज़ करना है। आप देखो बहुत ही स्टिकी डो है, तो ऐसा स्टिकी डो ही चाहिए हमें, और कब तक नीड करना है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। एक हाथ रहेगा यहाँ पे डो के एक एंड पे, और दूसरे एंड से हम लोग उसको खींचेंगे और देन फोल्ड करेंगे, खींचेंगे देन फोल्ड करेंगे, और बीच में डो को आपको ऐसा टर्न करना है ताकि जो पार्ट पीछे है उसको भी अच्छे से प्रॉपर स्ट्रेच मिले, ठीक है। आप देखोगे जैसे जैसे आप नीड करते जाओगे इसको ना, आपका हाथ क्लियर होता जाएगा। शुरू में आप अगर देखो बहुत स्टिकी था, अब थोड़ा सा आप उसको डो को हैंडल कर सकते हो। इसको आपको अगर थोड़ा और हेल्दी बनाना है तो आप आधा मैदा एंड आधा आटा ले सकते हो, उससे भी ये बहुत अच्छा बनेगा। मैंने सॉल्ट अभी तक ऐड नहीं किया, चलिए अभी सॉल्ट ऐड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे पिंक सॉल्ट का यूज़ किया है,
आप चाहो तो नॉर्मल वाइट सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो। अब देखो फ्लोर को अभी वो छोड़ने लगा है डो, दैट मीन्स आपका डो ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। ईस्ट को कैसे यूज़ करना है, इंस्टेंट ईस्ट कैसे यूज़ करना है, ड्राई ईस्ट कैसे यूज़ करना है, उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप लोग जाके वो देख सकते हो। आपका जो भी डाउट्स होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे फ्रेंड्स, देन प्लीज़ लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। बीटरूट ब्रेड जो मैंने बनाया है वो वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको प्रॉपर नीडिंग कैसे होगा उसमें मैंने पूरा शेयर किया है मेथड। अभी इसको नीड करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 7 मिनट्स हो गया है और थोड़ा टाइम नीड करेंगे देन ये हो जाएगा। ये मेरा सिंगल प्रूफिंग ब्रेड है, इसको मैं एक बार में सेप दे के प्रूफिंग के लिए रखूँगी एंड देन मेरा ब्रेड रेडी है। तो टाइम भी बहुत कम लगता है। आप अभी देखोगे तो डो बहुत स्ट्रेची बन गया है, दैट मीन्स इसमें अभी ग्लूटेन डेवलप हो गया है। तो ये पॉइंट पर भी मैं क्या करूँगी, इसमें ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल ऐड करने के बाद इसको ज़्यादा टाइम नीड करना नहीं होता है, ठीक है। ये जो ऑयल है मैं अभी इसको धीरे धीरे करके इसमें ऐड कर लूँगी। मैंने यहाँ पे नॉर्मल रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहो तो इसमें बटर ले सकते हो या फिर ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। मेरे पहले की ब्रेड रेसिपी में मैंने बटर भी यूज़ किया है और कोई कोई रेसिपी में मैंने ऑलिव ऑयल भी यूज़ किया है। मुझे कई लोग पूछते हैं कि इसमें पालक का या फिर बीटरूट का जूस यूज़ करेंगे तो उसमें उसका फ्लेवर आता है क्या, बट बिलीव मी फ्रेंड्स इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं आता है। मैंने यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल कलर भी नहीं यूज़ किया है, तो ये बहुत हेल्दी है और सेफ भी है, कुछ भी केमिकल्स भी नहीं यूज़ किया है। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा एक डो, मेरा सॉफ्ट डो रेडी हो गया है। इसको अगर मैं प्रेस करूँगी तो वो बाउंस बैक हो रहा है, दैट मीन्स मेरा डो कम्प्लीटली रेडी है। इसको भी हम लोग रोल करेंगे एंड देन देखते हैं मैं कैसे इसको एक ब्यूटीफुल पुलेपर्ड ब्रेड बनाने वाली हूँ। डो रेडी है, मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्लावर लिया है रोल करने के लिए। अच्छे से डस्ट करो, मैदा आटा कुछ भी ले सकते हो और इसको प्लेस करिए और इसको रोल करना शुरू करेंगे। इसको मैं आज OTG में बेक करने वाली हूँ, आप चाहो तो माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड में बेक कर सकते हो। प्रोसीजर सेम रहेगा, टाइम एंड टेम्परेचर भी सेम रहेगा। मैं 200 डिग्री में बेक करूँगी 30 मिनट्स तक, उससे पहले आपको ओवन को प्रीहीट करना है, ठीक है। तो पहले इसको ऐसा रोल कर लेंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है, ठीक है। रोल करने के बाद क्या करेंगे, कुकी कटर लेंगे और उसको कट करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप एक ऐसे स्लाइस उठाओगे, उसको थोड़ा सा हाथ से ऐसे फ्लैटन कर लो और जो चीज़ मैंने लिया है उसको बीच में आप प्लेस करोगे। बहुत ज़्यादा मत करो, नहीं तो क्या होगा, वो निकल जाएगा और बहुत अच्छा नहीं दिखेगा। प्लेस करने के बाद ऐसे हाफ करिए, ठीक है, बट ऊपर की तरफ उसको आप खुला ही रखिए। हाफ करने के बाद फिर क्या करोगे, और एक हाफ करना है, ऐसा फ्लावर का शेप एक देना है, ठीक है। तो चीज़ आप बहुत नहीं डालोगे, नहीं तो वो जब बेक हो जाएगा बहुत अच्छा नहीं दिखता है, कोशिश करिए वो अंदर रहेगा, ठीक है। फिर क्या करोगे, जो पैन लिया है पैन के साइड में ऐसे प्लेस करना है। मैं और एक करके आपको बता रही हूँ, एक पीस आप ले लो, उसको थोड़ा सा हाथ से ऐसे फ्लैटन करो, फिर बीच में हम लोग थोड़ा सा ही स्टफिंग डालेंगे, उसको हाफ करिए, ऊपर से उसको सील नहीं करना, ओनली हाफ करना है जस्ट, और उसको अगेन फोल्ड करना है। तो देखो एक फ्लावर का शेप आ जाता है, इसको अगेन साइड में आप उसको प्लेस करिए, उसके साइड में। ऐसे ही मैं बाकी सब बना लूंगी।
आपके घर में कुछ गेट टुगेदर है या पार्टी है तब भी आप ये बना के रख सकते हो, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, बिलीव मी, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए। तो ये ऐसा एक लाइन मेरा कंप्लीट हो गया है। अब बाकी के डो को वापस से रोल करके मैं सेम इनर सर्कल भी बना लूँगी एंड देन अंदर का। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इसको मैं दो बार प्रूफिंग के लिए नहीं रखा, तुरंत ही डो बना एंड देन उसको सेप देना शुरू कर दिया है, तो ये आपका बहुत सारा टाइम भी सेव करता है। इसको मैं अभी प्रूफिंग के लिए रखूँगी जब तक ये साइज़ में डबल ना हो जाए। अब किचन में ऐसे जगह पे रखो जो जगह थोड़ा सा वार्म हो, जैसे ओवन के पास या फिर माइक्रोवेव के पास। ठीक है, इसको मैंने वापस से रोल कर लिया। अब इसको फिर से कट करेंगे एंड इनर सर्किल फिल करेंगे। इसको आप ओवर प्रूफिंग मत करिए। ओवर प्रूफिंग करने से क्या होता है वो भी मेरा परफेक्ट ब्रेड सीरीज में है, वो आप देख सकते हो। तो जैसे कम प्रूफिंग नहीं करना होता वैसे ही ओवर प्रूफिंग भी नहीं करना होता है ब्रेड को, अगर आपको एक अच्छा ब्रेड चाहिए तो। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर मोर सच विजुअल ट्रिप्स। तो इसको मैं अभी कवर करके कोई भी वार्म प्लेस में रखूँगी जब तक ये डबल ना हो जाए, फिर उसके बाद इसको बेक करेंगे। तो चलिए इसको कवर कर लेते हैं। बाकी के जो डो बचे थे उसको मैं वही शेप में ही एक कपकेक मोल्ड में बेक करूँगी। इसको ग्रीस करना या कुछ भी करना ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिलिकॉन मोल्ड है, और इसको मैं एक मोल्ड में तीन प्लेस करने वाली हूँ। तो ऐसे दो मोल्ड मैंने रेडी किया है, इसको भी प्रूफिंग के लिए रखते हैं। एंड का जो है उसको ऐसे ही स्टफ कर लो, सील कर लो चारों तरफ से। तो एक डो में आप कितना सारा वेरिएशन कर सकते हैं वो देखा आपने। मैंने दो ऐसे बनाया, एक राउंड पाव शेप में बनाया और वो एक फ्लावर शेप का बनाया। ठीक है, तो ये सबको मैं अभी प्रूफिंग के लिए रखती हूँ, प्रूफिंग के बाद देखते हैं आगे का स्टेप। चलिए फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं ब्रेड कितना प्रूफिंग हो गया है। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ये प्रूफ हुआ है। इसको अभी मैं प्री हीटेड ओवन में बेक करने के लिए रखूँगी। ओवन को मैंने 200 डिग्री सेंटीग्रेड में प्री हीट कर लिया है 10 मिनट तक। 200 डिग्री सेंटीग्रेड में ही इसको मैं 25 टू 30 मिनट्स तक बेक करूँगी। अगेन सबका ओवन का टेम्परेचर अलग रहता है, आप अपने हिसाब से टाइम देख सकते हो, थोड़ा ज़्यादा या फिर कम लग सकता है। तो आफ्टर 20 मिनट्स उसके ऊपर आप एक नज़र रखो जब बेक कर रहे हो। ठीक है, बेक करने से पहले एक लास्ट एक प्रोसीजर बाकी है, क्या करना है इसको हम लोगों को मिल्क वॉश देना है। तो आप नॉर्मल जो दूध आता है वो ले लीजिए, एक ब्रश ले लीजिए और उसके ऊपर सॉफ्टली ऐसे धीरे धीरे अप्लाई करिए। बहुत हल्के हाथ से आपको करना है, फेदर टच होना चाहिए, कोई भी पॉइंट में आपको इसको प्रिक नहीं करना है, नहीं तो जो ब्रेड इतने अच्छे से ये पुले पार ब्रेड प्रूफिंग हुआ है वो दब जाएगा और अच्छा शेप में नहीं आएगा। तो फेदर टच में आपको इसको दूध अप्लाई करना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, अंडा खाते हो तो एग वॉश भी कर सकते हो। इसको भी चेक कर लेते हैं कैसा हुआ है। ये भी बहुत अच्छे से प्रूफ हुआ है, इसको भी मैं अभी मिल्क वॉश दे दूंगी। तो चलिए इसको मैं अभी बेकिंग के लिए रखती हूँ। ये कम्प्लीटली बेक हो गया है, अभी 30 मिनट्स लगा 200 डिग्री सेंटीग्रेड में, मिडिल रैक पे मैंने रखा था प्रीहीटेड ओवन पे। आइए इसको अभी थोड़ा सा बटर लगा के इसको ग्रीस करते हैं ताकि वो मॉइस्ट रहे और उसमें साइन आ जाए। अब क्या करेंगे, इसके साइड्स को लूज करेंगे और एक वायर रैक में इन्वर्ट करके रखेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। ब्रेड कभी भी आप बेक कर रहे हो उसको फ्रेंड्स, उसको बेक होने के बाद इमीडिएटली साइड लूजन करो और वायर रैक पे ट्रांसफ़र करो। उसको पैन में नहीं छोड़ना चाहिए, अदरवाइज़ वो सॉगी हो जाता है। इसको आप बहुत डेलिकेटली इसका साइड लूजन करोगे क्योंकि चीज़ था इसमें, तो चीज़ मेल्ट होके साइड में
लग जाता है, स्टिक हो जाता है, तो आपको धीरे धीरे थोड़ा सा पेशेंसली साइड को लूज़ करना पड़ेगा। अगर आप ये स्टेप में हड़बड़ी करोगे तो जब आप उसको इन्वर्ट करने जाओगे, वायर रैक में उसको रखने जाओगे, वो क्या होगा, टूट जाएगा। अभी देखो ये जैसे हुआ, वो क्या होगा, इसको जब आप वायर रैक में रखने जाओगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। तो मेक श्योर करो हर तरफ से उसको आप लूज़ करो। तो देख सकते हो फ्रेंड्स ये कितना अच्छा बना है, कितना सॉफ्ट बना है, और ये बहुत डेलीशियस होता है। इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होगा तो इसका पीसेस में करके आपको दिखाऊंगी। अब मैं इसको भी चेक कर लेती हूँ, जो हम लोग लेफ्टओवर डो था उससे जो बनाया था ये है। ये कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद इसको आप कट करके एंजॉय कर सकते हो। आई होप आपको रेसिपी अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स इज इट इट ब्यूटिफुल एंड हेल्दी ऑल्सो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू एंजॉय एंड प्रेस द रेड बेल आइकॉन। ये रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करिए और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर, कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस अराउंड द वर्ल्ड।